अब आप भी हमारी पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। भैया की शादी। एक दिन गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते हैं और देखते हैं कि उनके चाचा जी घर पर आए हुए थे और वो पापा के साथ लिविंग रूम में बैठे थे। गट्टू चिंकी उन्हें देखते ही दौड़कर उन्हें गले लगा लेते हैं। अरे चाचा जी, आप कब आए? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ मुझे भी चाचा जी, आपके साथ गोलू भैया नहीं आए क्या आज? नहीं नहीं गट्टू चिंकी, आज तुम लोगों के प्यारे गोलू भैया नहीं आए, पर मैं उनकी शादी का कार्ड लेकर आया हूँ। गट्टू चिंकी खुशी के मारे फूले नहीं समाते और वो एक साथ कहते हैं, गोलू भैया की शादी का कार्ड। गट्टू और चिंकी को इतना खुश देखकर पापा और चाचा जी हंसने लगते हैं। तभी मम्मी वहाँ चाय और स्नैक्स लेकर आ जाती है। हाँ गट्टू चिंकी, हम सब चलेंगे गोलू भैया की शादी में, पर पहले तुम लोग जल्दी से जाओ और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। गट्टू चिंकी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर आते हैं और सब साथ में बैठकर स्नैक्स खाते हैं। थोड़ी ही देर में चाचा जी जाने लगते हैं। चाचा जी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? बेटा, मुझे शादी की काफी तैयारियां करनी है, इसलिए अब मैं चलता हूँ, तुम लोग भी सब तैयारी कर लो। चाचा जी ये कहकर चले जाते हैं और गट्टू चिंकी जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोल देते हैं। वो सब कपड़ों को इधर उधर रखने लगते हैं। तभी वहाँ मम्मी आ जाती है। अरे गट्टू चिंकी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कपड़े क्यों इधर उधर बिखेर रहे हो? मम्मी, वो मेरी ब्लू वाली शेरवानी कहाँ गई? मुझे नहीं मिल रही। अब मैं गोलू भैया की शादी में क्या पहनूंगा? हाँ मम्मी, और वो मेरी पिंक ड्रेस कहाँ है? वो बहुत सुंदर है, मुझे शादी में वही पहननी है, वो भी पिंक हेयर बैंड के साथ। अरे गट्टू चिंकी, अभी तो शादी में काफी दिन है, अभी तुम लोग अपने कपड़े अच्छे से वापस अलमीरा में रख दो और चिंता मत करो, मैं शादी से पहले ही तुम्हारे कपड़े निकाल कर और ड्राई क्लीन करवा कर तुम्हें दूंगी। ठीक है? ठीक है मम्मी, हम अभी ये कपड़े सही से रख देते हैं। गट्टू चिंकी बेसब्री से शादी के दिन का इंतजार करने लगते हैं और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है। शादी के दिन गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ अच्छे से तैयार होकर चाचा जी के घर पहुंच जाते हैं। गोलू भैया को देखते ही वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेते हैं। गोलू भैया देखो, हम आ गए, आज आपकी शादी में बहुत मजा आने वाला है। हाँ गोलू भैया, आपको शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू गट्टू चिंकी, तुम लोगों को पता है मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, और जब बारात निकलेगी ना तब तुम लोगों के आगे आकर खूब डांस करना। ओके गट्टू चिंकी। ओके गोलू भैया, जरूर। तभी पीछे से चाचा जी आ जाते हैं। हाँ गट्टू चिंकी, और तुम लोगों को तो तुम्हारे गोलू भैया के जूते चोरी होने से भी रोकना है, समझे? हाँ चाचा जी, हम सब अच्छे से समझ गए हैं। सब ये सुनकर हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बारात निकलने लगती है और गट्टू चिंकी सबसे आगे जाकर खूब डांस करते हैं। उन्हें देखकर मम्मी पापा और चाचा चाची जी भी खूब डांस करते हैं। थोड़ी देर में बारात शादी के हॉल तक पहुंच जाती है। जैसे ही शादी शुरू होती है, गट्टू चिंकी गोलू भैया के एकदम पीछे बैठ जाते हैं और जूतों को संभाल कर अपने पास रख देते हैं। लड़की वालों की तरफ से दो बच्चे मीरा और शिवी जूते चुराने वाली थी। गट्टू सुनो, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हम गोलू भैया के जूते बचा सके। तुम मेरे साथ वॉशरूम चलो। चिंकी, ऐसे जूतों को यहाँ छोड़कर वॉशरूम कैसे? चलो तो गट्टू, फिर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। गट्टू चिंकी के साथ वॉशरूम तक चला जाता है और जूते वहीं रख के जाते हैं। चिंकी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ऐसे तो मीरा और शिवी जूतों को आसानी से चुरा लेंगी। गट्टू, यही तो मेरा प्लान है, हम लोग मीरा और शिवी को जूते चुराने देंगे और यहाँ से छुप कर देखेंगे कि उन्होंने जूते छिपा कर कहाँ रखे हैं। ओ चिंकी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर क्या था, गट्टू चिंकी छिप कर मीरा और शिवी को देखने लगते हैं। वो दोनों जूते चुरा कर एक फूलों की बास्केट में रख देते हैं। शादी होने के बाद जब मीरा और शिवी जूते देने से पहले गोलू भैया से पैसे मांगने लगते हैं, तब गट्टू चिंकी हंसने लगते हैं। गट्टू चिंकी, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? तुम लोगों को तो मेरे जूते चोरी होने से बचाने थे ना। गोलू भैया, आपके जूते चोरी हुए ही नहीं है, वो हमारे पास ही है।
ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ये क्या कह रहे हो गट्टू चिंकी, ऐसा कैसे हो सकता है, जूते तो हमने छिपा कर रखे हैं। हाँ मीरा और शिवी, जहाँ पर तुम लोगों ने जूते छिपाए थे, मैंने और गट्टू ने पहले ही वहाँ से जूते हटा दिए और अब जूते हमारे पास हैं। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह गट्टू चिंकी, मानना पड़ेगा तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। सच में गट्टू चिंकी, आज तो तुम लोगों की वजह से बहुत मजा आया हमें। हाँ तुम दोनों तो काफी स्मार्ट हो। हमें भी बहुत मजा आया मीरा और शिवी। जूता छिपाई की रस्म और शादी की बाकी रस्में खत्म होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, तो गट्टू चिंकी की नज़र खाने के स्टॉल्स की तरफ पड़ती है। गोलू भैया, अभी भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है, इसका क्या होगा? अभी तो ये सब खाना हमारे घर ही जाएगा गट्टू चिंकी, पर मुझे लगता है बाद में ये फेंका जाएगा। गोलू भैया, इससे अच्छा तो हम इस खाने को लोगों में बांट दें। हमारी टीचर ने हमें बताया था कि शादी और पार्टीज में जो खाना बच जाता है, हमें हमेशा उन्हें ऐसे लोगों में बांट देना चाहिए जिन्हें उसकी जरूरत हो। सही कहा चिंकी, तो फिर इस खाने को हमारे घर के पीछे जो जरूरतमंद लोग रहते हैं उन्हें ले जाकर खिलाएंगे। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? हाँ भैया जरूर, ऐसा करने से हमें बहुत खुशी मिलेगी। हाँ भैया मैं भी चलूंगी। अगले दिन गट्टू चिंकी गोलू भैया के साथ जाकर वो खाना जरूरतमंद लोगों को खिला देते हैं, और ऐसे ही गट्टू चिंकी अपने गोलू भैया की शादी एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।